अगले सेगमेंट का समय है मिड कैप के महारथी। और निमेश ठाकर जी हैं हमारे साथ तो फोन लाइन पर। निमेश जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आप आज? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए हम लोग जो आप डिस्कस कर रहे थे, आपने टेक्निकल भी डिस्कस किया, मैं फंडामेंटल भी दे रहा हूँ, आईएक्स का ही मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए ये मार्केट के अंदर जो एक क्वालिटी कंपनी है, जहाँ पर एक डेट फ्री कंपनी है और कंपनी की बुक्स पे अगर देखें तो रफली 1400 करोड़ का जो है वो कैश रिजर्व है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली हम लोग देख रहे थे कि पिछले काफी दिनों से एफआई एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहा था, और अगर आप मार्च 2022 के आसपास देखें तो एफआई का जो होल्डिंग था वो रफली 31% का होल्डिंग था, और अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर जो डेटा है उसके अंदर 14% होल्डिंग रह गया है। तो एफआई ने काफी बिकवाली की है, इसीलिए स्टॉक के अंदर जो है हम लोग एक मोमेंटम नहीं देख रहे थे और ऊपर के लेवल से एक करेक्शन देख आया था। बट फिलहाल अगर आप फंडामेंटल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। कंपनी जो है वो गैस सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पावर डिमांड जो है वो काफी बढ़ रही है, कॉल की डिमांड जो है काफी बेहतर है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो मुझे लग रहा है कि आईएक्स एक्सचेंज एक मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, और आने वाले दिनों में कंपनी ने एक स्टेडी ग्रोथ किया है पिछले 5 साल का अगर आप रिसल्ट देखें तो, और एक वैल्यूएशन वाइज मुझे ये लेवल पे काफी कंफर्ट देखने को मिल रहा है। डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, जिस तरह से बैलेंस शीट है और जिस तरह से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 1 साल के लिहाज से आईएक्स एक्सचेंज के अंदर बाय करना चाहिए। 200 रुपए का टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो 135 के स्टॉप लॉस से मैं ये 1 साल के होराइजन से बाय रिकमेंड करता हूँ। 200 रुपए के लक्ष्यांक 1 साल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 200 के टारगेट टेक्निकल चार्ट्स पर भी दिखाई दे रहे थे। अभी नीरव भी बात कर रहे थे हमसे आईएक्स पर, तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यूज मिल गए हैं। अगले 1 साल के लिए अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मौजूदा स्तर पे भी खरीदारी करके चलिए आईएक्स में।